राइट। सो फॉर एग्जांपल माय लॉन्ग टर्म गोल इज कि मुझे अगर मुझे रिटायरमेंट होना है तो मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी सो दैट आई डू नॉट डाउनग्रेड माय लाइफ बट स्टिल आई एम एबल टू मैनेज दोज थिंग्स बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई विल नॉट बी अर्निंग बट आई नीड टू हैव दोज काइंड ऑफ फंड्स एज वेल राइट। अगर मैं अपने जो हमारी पहले वाली जनरेशन थी वो दे यूज टू अर्न फर्स्ट एंड देन दे यूज टू थिंक अबाउट वेयर टू स्पेंड दिस बट द जनरेशन विच वी आर लिविंग इन टू आई मीन आर जनरेशन प्लस योर जनरेशन वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस वी हैव क्रेडिट कार्ड्स नो कॉस्ट EMI फैसिलिटी अवेलेबल द आई मीन वी हैव द स्मार्टफोन्स इन आर हैंड द अमेजोन इज देयर फ्लिपकार्ट इज देयर वट नॉट आई मीन अगर ये भी इनसे भी नहीं हम लोग अगर बच पा रहे हैं उसके बाद हमारे पास वी हैव जोमेटोज वी हैव स्विगीज और उनसे भी नहीं बचते देन वी हैव 10 मिनट डिलीवरी ब्लिंकिट्स एंड द जैप्टोज एंड समवेयर डाउन द लाइन आप कितना स्पेंड उस पर कर लोगे यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फिगर इट आउट। अगर आप एक बार जाके उसमें देखोगे अपनी ट्रांजेक्शन एंड समटाइम्स यू विल बी सरप्राइज कि आपने कितना स्पेंड कर दिया है बिकॉज हमसे पहले जो जनरेशन थी वो कैश हम लोग जो कैश मनी था वो यूज़ करते थे आज हम डिजिटल करेंसी यूज़ करते हैं। इफ़ आई हैव टू स्पेंड 1 lakh rupees और आई हैव टू स्पेंड 10 lakh rupees विद इन ए क्लिक ऑफ सेकेंड द अमाउंट विल बी गॉन लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे पिंच नहीं करता है। आप किसी को 10,000 rupees कैश दे के देखो कभी आप उसको दो बार गिनोगे ऐसे और उसके बाद आपको थोड़ा सा लगेगा यार एक्सपेंसिव था या शायद ज़्यादा खर्चा हो गया लेकिन अभी कार्ड स्वाइप करना है आपने 10 rupees का स्वाइप किया या 10,000 rupees का स्वाइप किया आपको उसका पिंच नहीं होगा वो उस तरीके से राइट। सो समवेयर डाउन द लाइन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों से कैसे मैनेज करेंगे राइट। व्हेन आई वाज स्टडिंग आई यूज टू पे माय मंथली फीस इन स्कूल आई एम टॉकिंग अबाउट 200 rupees पर मंथ ओके आई स्टडीड फ्रॉम UP स्टेट बोर्ड 200 rupees की मंथली फीस थी। 20 साल बाद आज My kid is going in nursery, I am talking about, and I am paying 15,000 rupees per month for her fees, right? So 200 rupees से 15,000 rupees महीना और जो 200 rupees मैं दे रहा था वो 10th में दे रहा था और अभी मैं उसके लिए नर्सरी में दे रहा हूँ 15,000 rupees। आगे इन्फ्लेशन जिस इन्फ्लेशन की हम लोग बात करते हैं 6% 7% दैट्स जो एक इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है लेकिन फूड का इन्फ्लेशन हाई होता है एजुकेशन का इन्फ्लेशन उससे भी ज़्यादा होता है देन यू टॉक अबाउट दी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस उसका इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखो इन केस यू डू नॉट हैव द फंड्स यू डू नॉट हैव द इंश्योरेंस देन यू विल फील कि आपने अगर कुछ सेव किया होगा दैट एंटायर अमाउंट विल बी वाइप्ड आउट। सो अगर मुझे कुछ फ्यू सजेशंस आपको देने हैं और या फिर आप फाइनेंशियल प्लानिंग पे किस तरीके से काम कर सकते हैं आई थिंक फर्स्ट यू नीड टू कभी आराम से बैठ के एक दिन सोचो कि मुझे लाइफ में मेरे क्या गोल्स हैं। हो सकते हैं आपके शॉर्ट गोल हो सकते हैं कि ठीक है मुझे गाड़ी लेनी है लेकिन गाड़ी क्या मुझे लोन लेके बेटर रहेगा या गाड़ी के लिए मुझे पहले अर्न करना चाहिए मुझे कुछ साल वेट करना चाहिए एंड इफ़ आई हैव टू वेट व्हाट अमाउंट शुड आई पुट इन माई SIPs में या FD में या जिस भी एसेट क्लास में मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा कितना रिक्वायरमेंट होगी अमाउंट के। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब भी आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं आई थिंक फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव द इमरजेंसी फंड्स दैट्स फर्स्ट नंबर वन। जब भी आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे यू नीड टू हैव दोज फंड्स सो दैट इन केस इफ एनी इमरजेंसी अकर्स यू will able to survive that phase, okay? Emergency fund कितना होता है जो ideal market में scenario रहता है 6 to 10 months is something which the experts suggest that at least you should have that fund. So अगर आपकी साल की income 12 lakh rupees है तो 6 lakh rupees at least आपके पास आपके उस fund में होने चाहिए। For example किसी reason से आप की job चली जाती है आप अगर business करते हैं आपके business में loss हो जाता है so that कि आप कोई desperate decisions ना ले उस time पे you have those funds available with you so that you are able to survive you are able to think with the calm mind. So emergency fund is one. Second you all need to have the health insurance that's very very important.
जब आप सैलरी अर्न कर रहे होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, जनरली पीपल डू मेक ए मिस्टेक, दे फील दैट कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द हेल्थ कवर, बट आप जितना जल्दी उसको लेंगे, प्रीमियम जो होता है उसको बोला जाता है कि जिस तरीके से वाइन अच्छी होती है ना, जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है, तो उसी तरीके से आप इस एज में जाके अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है, एंड देन ऑल दी जो भी आपकी डिसीजेज की चांसेज होते हैं वो कवर होने में, उसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन या इंश्योरेंस की तरफ से दिक्कत नहीं होगा. सो यू नीड टू हैव दी हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो इन केस, बिकॉज जो भी इमरजेंसी आएगी वो आपको बता के नहीं आएगी, कोई भी बीमारी आएगी वो बता के नहीं आएगी कि 3 महीने बाद में आने वाली हो और आप पैसा इकट्ठा कर लो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है. सो हमें उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा. सो द सोनर यू गेट दोज हेल्थ इंश्योरेंस एंड एंटायरली डोंट डिपेंड ऑन दी कि मेरी कंपनी मुझे प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज इन योर लाइफ यू विल बी चेंजिंग द कॉर्पोरेट्स ऑल्सो. हो सकता है कुछ ऐसा भी टाइम हो सकता है कि आपके पास वो जॉब्स ना हो उस टाइम पे, उस टाइम पे अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है देन वॉट. और अगर मान लीजिए आपने आज से, हम 30-40 साल बाद हम लोगों ने एक अच्छी जर्नी को एंजॉय किया है, लेकिन उसके बाद मैं अब कॉर्पोरेट में काम नहीं कर रहा हूँ, जब आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी उस टाइम पे भी अगर आपके पास, उस टाइम पे अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ तो आपके पास वो सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती है. और हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा ऐसा है कि आपने जो भी अर्न किया होगा ड्यूरिंग दोज ईयर्स वो एक बार में आपका चला जाएगा. सो द इमरजेंसी फंड देन द इंश्योरेंस, कुछ टाइम के बाद जब आपके डिपेंडेंस हो जाए उस टाइम के बाद यू ऑल्सो कैन थिंक अबाउट द टर्म इंश्योरेंस. राइट, सुना है किसी ने टर्म इंश्योरेंस के बारे में? नहीं सुना है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा जब आपके डिपेंडेंस हो जाए, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि आप पे जो जो डिपेंडेंट है, आप अर्निंग मेंबर है अगर फैमिली के, आप पे जो जो डिपेंडेंट है, इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है, आप अर्न किसके लिए कर रहे हो? अल्टीमेटली यू आर अर्निंग फॉर योर फैमिली, यू आर अर्निंग सो दैट यू लिव ए बेटर लाइफ, योर फैमिली लिव्स ए बेटर लाइफ. राइट, सो इन केस समथिंग हैपन्स टू ए पर्सन हु इज अर्निंग, दोज पीपल डू नॉट सफर जो आपके साथ, आपके जीवन में आपके साथ आगे चल रहे हैं. राइट, सो दे गेट ए सम गुड अमाउंट. राइट, सो टर्म इंश्योरेंस नॉट टूडे बट एटलीस्ट जब आप अर्न करना स्टार्ट करेंगे, डिपेंडेंस आपके साथ हो जाएंगे, उस टाइम पर आप देख सकते हैं, द सूनर यू गेट इट द मोर बेनिफिट यू गेट इट. राइट, देन फाइनली वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट पार्ट. राइट, जनरली हम लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज ओनली अबाउट इन्वेस्टिंग, बट दैट्स नॉट द केस. फाइनेंशियल प्लानिंग इज मच बियॉन्ड द इन्वेस्टिंग पार्ट. इट्स अबाउट योर, हाउ आर यू प्लानिंग फॉर योर टैक्सेशन, हाउ आर यू प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट, हाउ आर यू प्लानिंग फॉर योर स्टेट प्लानिंग. स्टेट प्लानिंग पे हम कभी फिर बात कर लेंगे, बट सक्सेशन प्लानिंग जो होती है, आपने अगर कुछ आपके पास एसेट्स है सो बाद में कोई विवाद ना बने आपकी फैमिली में, तो आपने ऑलरेडी उसको किस तरीके से प्लान किया हुआ है, वो सक्सेशन प्लानिंग होती है. बट यू नीड टू हैव दोज अंडरस्टैंडिंग, इफ नॉट टुडे कुछ सालों बाद आप लोगों को उसके बारे में आइडिया होना चाहिए. सो इन्वेस्टिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जिस तरीके से हम कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें अगर थोड़ा चुटकी भर नमक डाल देते हैं उसका स्वाद इन्हेंस करने के लिए, उसी तरीके से जो भी आपके पास पैसा आ रहा है वो चुटकी भर जो अमाउंट है, आप अगर उसको जितना जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, राइट, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप सेव करते चलेंगे, देन कंपाउंडिंग विल डू इट्स ओन मैजिक. अगर आप बहुत लेट स्टार्ट करेंगे देन समवेयर डाउन द लाइन हम उस कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. राइट, अगर आप कल से जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो आपको, अगर आप 100 रुपीज अर्न करते हैं, द जनरल रूल सेज 50-30-20, दैट मींस 50% शुड गो टू योर नेसेसिटी. सो 100 रुपए में से 50 रुपए आपके जो है, जो भी आपके रूटीन वर्क्स होते हैं, आपके रूटीन खर्चे होते हैं, रेंट देना होता है या आपको ग्रोसरीज लानी होती है, जो आपकी नेसेसिटी है जिसके बिना काम नहीं चलता, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, 50% अमाउंट शुड गो टू दैट पार्ट, 30% अमाउंट शुड गो टू योर वॉन्ट्स. राइट, जो आपने कुछ, ठीक है शॉपिंग भी तो करेंगे, सिर्फ ऐसा ही नहीं है ना कि बचाना ही है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको मूवी देखनी है,
या आपका कुछ अगर मान लीजिए गैजेट्स का शौक है, जो भी आपको लगता है कि अच्छा ये मेरा एक हैबिट है, ये मुझे इस पे थोड़ा सा स्पेंड करना चाहिए, सो 30% इज समथिंग विच यू कैन टेक द लिबर्टी टू फ्रॉम दैट 100 rupees, एंड 20% इज समथिंग विच यू शुड ऑल इन्वेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, राइट। जनरली मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि सैलरी इनकम को जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट फॉर्मूला विच वी जनरली से इज दैट इनकम इज कि जो हमारी स्पेंडिंग होगी उसके बाद जो बचेगा दैट इज माई सेविंग, बट दैट्स नॉट द राइट वे। राइट वे इज दैट फर्स्ट यू सेव जो भी आपका आपने एक अपने लिए डिफाइन किया हुआ है दैट 100 में से, अगर आप कुछ फॉलो नहीं कर सकते 50-30-20 को फॉलो कर लीजिए, बट अगर मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है By this salary मैं इतना इसमें से बचा सकता हूँ, then you take out that money first. First day if you are getting the salary of the month, then first day you take it and first day you invest it. And then by जो भी आपके पास left होता है उससे आपको पूरा month निकालना है, right? Mistakes हम लोग जो कर रहे होते हैं कि हम पहले हमारे पास options ही इतने होते हैं, हमारे पास credit card का एक ऐसा option है कि हम सारी पेमेंट्स उससे करते रहते हैं, और जब आपकी सैलरी आएगी आप उस क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने में लग जाएंगे, सेविंग का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बट दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। आई थिंक किसी दिन बैठ के अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से आप बात कर सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग की है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। हम लोगों की जो जनरेशन थी उससे पहले हम लोगों ने, अगर मैं अपने पिताजी का भी एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे, सो हम लोगों को मिस सेलिंग बहुत हुई है, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे LIC बेची गई है। LIC सुना है आपने? हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ, जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी उनको सिर्फ LIC बेची गई है, और उनको बोला गया है कि इस साल बाद इतने साल बाद आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, बट दोज आर नॉट द इन्वेस्टमेंट थिंग्स। इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जनरली हम गलती कहाँ पे करते हैं, गलती कर देते हैं हम कि हम लोग कहते हैं कि ठीक है अच्छा इंश्योरेंस भी कवर्ड हो रहा है और इससे मुझे कुछ पैसा भी मिल जाएगा, सो लेट्स टेक दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज, बट दीज नेवर हेल्प्स। इन्वेस्टमेंट इज ए डिफरेंट क्लास एंड योर इंश्योरेंस इज ए डिफरेंट क्लास, कभी उनको क्लब नहीं करना, मिक्स नहीं करना। आपके पास हजारों कस्टमर्स हजारों एजेंट्स आएंगे जो आपको बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से, यूलिप प्लान ले लीजिए, ये वाले प्लान ले लीजिए, इसमें इंश्योरेंस भी मिलेगा, कवर भी मिलेगा, but that does not work. Investment is different, your insurance is different, right? Investment jo hai ab, there are multiple options which we have today, right? We have properties ki kahan pe karna hai, ki real estate mein invest karna hai, ya fir I want to invest in equity, mutual funds, gold, ETFs. So there are too many things एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, बट आपको ये समझना है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से विच एसेट क्लास वर्क्स बेस्ट फॉर यू, राइट। सो योर गोल कुड बी डिफरेंट, हिज गोल कुड बी डिफरेंट, एंड हर गोल कुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन माई गोल, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे किस तरीके से। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ए पीरियड ऑफ 3 years ओनली, अगर मुझे सिर्फ 3 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, डू यू थिंक दैट आई शुड इन्वेस्ट दैट मनी इन मार्केट्स? Which asset class would be the, अगर मेरे पास सिर्फ 3 साल का ही horizon है, मैं देख रहा हूँ कि मुझे 3 साल बाद एक गाड़ी खरीदनी है, या 3 साल बाद मेरे पास एक मुझे अपने बच्चे की फीस देनी है, लेकिन इस पैसे के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो 3 साल के बाद मुझे चाहिए ही चाहिए होगा, अगर वो फंड नहीं होगा देन आई विल स्ट्रगल। सो प्रोबेबली इक्विटी मार्केट और दीज मार्केट्स आर नॉट द राइट अप्रोच, right? Not the right platforms. But if I have a longer horizon, for example, if you guys today wants to invest and you are thinking कि ठीक है 100 rupees आए मेरी सैलरी में से, 100 में से 20 rupees ऐसे है, अगर ये मेरे पास आज नहीं होगा कल भी नहीं होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 80 rupees से मैं अपना जीवन को चला सकता हूँ, then probably those 20 rupees, ideal platform is that you invest those 20 rupees in the equity markets, the share market, the mutual funds. In case you people find कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए या मुझे नॉलेज नहीं है, then probably you can start with the mutual funds. और म्यूचुअल फंड्स में भी there are lot many schemes today. So complex market होती जा रही है, but you need to have those understanding. अगर आपके पास understanding नहीं है, probably you need to have the discussion with the experts, जो उस field के experts हो. For example, पंकज सर इज हियर,
पंकज सर को आप जानते हैं, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ CPA, सो उनके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं, ही इज अ प्रोफेशनल इन दैट सेंस, सो आप इन एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं रेदर देन गोइंग टू योर फ्रेंड जिसने कहा कि ठीक है एक XYZ स्टॉक में मैं पैसा लगा देता हूँ, ये कल को डबल हो जाएगा, परसों ट्रिपल हो जाएगा, उसका ट्रिपल हो या ना हो श्योर शॉट आपका तो हाफ हो जाएगा, राइट? मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा है कि किसी ने फ्रेंड के एडवाइस पे अपना पैसे को डबल किया है। इधर यू शुड हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इफ यू डू नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग यू प्लीज स्पीक विद एक्सपर्ट, यू डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद योर ओन हार्ड अर्न मनी किसी के ऐसे ही एडवाइस पे, राइट? एंड यू विल फाइंड मैनी पीपल, इनफैक्ट आप अपनी सोसाइटी में फ्रेंड से पेरेंट्स से भी बात करके देखेंगे, यू विल फाइंड कि मैक्सिमम जिन्होंने शेयर मार्केट में लॉस किया है वो इसी तरीके से किया है, एंड देन दे से कि इट्स ए सट्टा मार्केट, इट्स नॉट द स्टॉक मार्केट, इट्स ए सट्टा मार्केट, राइट? बट इट्स नॉट द सट्टा मार्केट, पीपल हैव मेड मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, आई हैव मेड मनी, पीपल, मैनी पीपल हैव मेड मनी, बट यू नीड टू हैव दोज अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स, हाउ द फंडामेंटल वर्क्स, एंड यू ऑल्सो नीड टू डिफाइन योर सेल्फ वेदर यू आर इन्वेस्टर और यू आर ए ट्रेडर, इफ यू आर ए ट्रेडर सो आपको उस तरीके से आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना होगा, इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर देन यू नीड टू हैव दोज कैपेबिलिटीज, आपको मार्केट देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैंने जिन स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है आई डू नॉट वॉच, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बट इफ़ आई एम ए ट्रेडर मैं बार बार उसको देखता रहूँगा, फिर मुझे बैठ के उसको एनालाइज भी करना होगा, टेक्निकल एनालिसिस भी देखने होंगे, RSI क्या कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स को मुझे देखना होगा। I won't be suggesting the way for कि ट्रेडर आपको ट्रेडर की तरफ जाना चाहिए, my recommendation would be towards a, because जिस एज ग्रुप में आप लोग हो, अगर आप सक्सेस में और फेलियर में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस रहेगा हमेशा, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे होंगे, एंड दैट डिफरेंस इज ओनली वन थिंग, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, इफ यू आर डिसिप्लिन टूवर्ड्स योर स्टडी यू विल बी सक्सेस इन योर स्टडीज इररेस्पेक्टिव ऑफ विच क्वालिफिकेशन विच कोर्स यू आर हैविंग, वेदर यू आर हैविंग CA, CPA, CCA, CFP, CMA, इफ यू आर डिसिप्लिन इनफ टूवर्ड्स योर स्टडी पार्ट, ये क्वालिफिकेशन तो हो जाएगी, टाइम लग सकता है, एक अटेम्प्ट ज़्यादा लग सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि वो आप क्रैक ना कर पाओ, पॉइंट इज इफ यू आर डिसिप्लिन इनफ। The similar way, if you are disciplined with your money, if you are disciplined with your SIPs, if you are disciplined with your investment part, irrespective of the amount, whether it's 100 rupees, 200 rupees, 2000 rupees or 20,000 rupees, irrespective of the amount, but if you are able to make those wise decisions, jisko aap discipline ke saath kar rahe hain, then certainly no one can stop you, right? So, on this occasion, these were the few points which I wanted to discuss with you. Usme se agar key takeaways aap lena chahe, one, in case you want to discuss things about money, discuss with some experts, discuss how the money works. Probably you need to discuss this at this particular age of time rather than, because we have seen people jab retirement ke paas aa jate hai na, so if I am retiring at 60, so 55 pe aake hum log baat karte hai, retirement aa gayi hai, ab kya karna hai, retirement ke baad kya, after 60 life expectancy in India today is 85, right? So agle agar 25 saal mujhe aur jeene hain, in case you die, you die, right? But in case you don't, then question is, in case you don't, so you have to plan for your next 25 years, 30 years, not that particular of time, today when you are starting earning. Sara paisa retirement ke liye nahi de dena hai, but kuch portion, the 10 rupees out of 100 should go to those things, right? So plan and discuss in case jahan pe bhi aapko confusions aa rahe, life to hamesha hi kabhi bhi straight line jaisa Tata ji ne bhi bola hai, जैसा हम लोग भी बोलते रहते हैं कि लाइफ कभी स्ट्रेट रहेगी नहीं है, हैप्पी डेज भी नहीं रहने वाले हैं और सैड डेज भी नहीं रहने वाले हैं, हमें बस उतना करना है कि हमारे हैप्पी मोमेंट्स ज़्यादा हो रेदर देन सैड डेज जो हमारे हाथ में है, राइट? सो विद दिस आई मीन आई से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम, इन केस एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क। We'll break out for a question session later. Sure. Mr. Paul.
Well, thank you so much, Mr. Anurag, for sharing such valuable insights about financial planning with all of us. I believe this information will be very, very useful for all of you guys. Am I right? Yeah. Thank you so much, sir. So now I would like to welcome Mrs. Swati Dhingra to just share a few words. Please have a moment. Very good afternoon to all of you. A warm welcome. Warm welcome to Anurag over here. And Anurag, you rightly said key planning is very important. So starting off with one of my questions, how many of you save? Kitne bache hain? Yeah, the audience, how many you plan to save? Basically, aap saving karte hain ya nahin karte? By the show of hands, please. By the show of hands. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So all the girls are saving. Girls are not saving. Okay. So when you save, talking about you, that you save. So how much percentage you save? The income, basically, you are earning something. So usme se aap kitna percent save karte hain? I try to save 5-10% each month. Okay. Like after spend, like he said, after spending all my necessities and needs, I'll try to save 5-10%. Okay. And does that helps you out? Yes, yes. When I need that emergency fund, sometimes that it helps. Yes. So this is something I wanted to understand from the audience over here, that to be honest, it's absolutely true. It's absolutely 100% true, wherein if you plan something, specifically save money, because today it's the World Finance Day, and if we are talking, we are sitting here and we are talking about finances. Finance kya hota hai? Finance is more like ki jo hum income earn karte hain, jo hamare paas paisa aata hai, usko hum kaise sanjho ke rakh sakte hain, and best possible manner mein usko hum kaise utilize kar sakte. This is something that is ki hum sabko ye janne ki bahut zarurat hai. And now talking about ki agar, if I am talking about a household course ko lekar ki being a female, females ke liye kya important hota hai, hame sabse pehle ghar bhi manage karna hai, ghar manage ke sath sath jo budgeting karni hoti hai, jo groceries lekar aani hoti hai, on top of that bachcho ke kharche bhi dekhne hain, wo sare expenses ko hame manage karna hota hai. एंड वो मैनेज करने का एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे हेड के ऊपर. सो इट्स लाइक वी शुड थिंक अबाउट इट कि मेल्स को भी सोचना होता है ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड फीमेल्स के लिए भी ये बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि नाउ बीइंग मतलब कि सोसाइटी हमारी ऐसी है कि इट्स लाइक 50-50 हमारा सबका एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी रहती है, कि हमारा भी एक शेयर जाता है हाउस में, प्लस हमारे हस्बैंड का भी एक शेयर जाता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें उसको कैसे मैनेज करना है, दिस इज द बिगेस्ट टास्क. और वो मैनेज करने का तरीका क्या है, दैट वी शुड स्टार्ट सेविंग समथिंग फॉर आवर फ्यूचर एमरजेंसी एक्सीजेंसीज. यहाँ पर आई एम सीइंग दैट मोस्ट ऑफ द फोक्स, जैसे बॉयज के बारे में बात करो तो यू गाइज आर स्टूडेंट्स एंड पढ़ रहे हैं. So most of you are either, well, you are not working, so you are getting something as your pocket money from your parents. Because I am also giving pocket money to my kids also. So unko main aaj se hi, what is my task is that, making them understand about the value of money. Paise ki value sikhani hai, kaise? They should understand ki hume agar kuch lena hai, so how they have to earn. So what I do is that, it's my personal example. It's like what I do is that whenever my son says me that, Mama, I want to buy something, I tell him that you start saving something. So by this time, you can save this amount of money and then you can purchase it from that. When the time comes of purchasing that that particular thing, it is something wherein ki unko na wo dard hota hai, unko wo feel aati hai. They feel proud also that they have saved something, and on the other hand they feel like ki kuch achievement bhi kiya hai,
and plus they are doing something from themselves, वो खुद से कर रहे हैं. So I would suggest everybody कि आप लोग भी अगर आगे जाकर कुछ करते हैं, like purchasing something या कुछ भी, एक जैसे आप gadget बोल देते हैं, और हम usually बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं कि पापा मम्मा I need a mobile phone, I need a bike, I need a vehicle, I need something, जो आपके लिए आज के टाइम में इट्स अ नेसेसिटी और आई वुड से इट्स समथिंग दैट यू वांट. सो आई वुड सजेस्ट यू कि यू पीपल शुड स्टार्ट सेविंग समथिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. आज से सेव करेंगे तो कल के लिए एटलीस्ट इट्स लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग यू विल बी प्राउड ऑफ इट, कि दैट समथिंग यू हैव एडेड, यू हैव अचीव्ड. बिकॉज आई डिड दिस थिंग विद माई सेल्फ ऑल्सो व्हेन आई वॉज अ किड. It was a time when college में आ गए, उस time पे the way Anurag said कि ये हमारी fees इतनी होती थी, we used to have this much amount and all. So it was like कि at that point in time when I was in college, I used to get 500 rupees as my pocket money. 500 rupees. आज कुछ नहीं होता 500 rupees. I told my father that I want a mobile phone. At that point in time, that was like Sony Ericsson. It was very, like talking about like 18, more than 18 years, 20 years back. Wo Sony Ericsson ka phone, wo flip wala phone, I need it, papa. Okay? He told me that I can purchase you, but I want you to understand the value that you are going to pay for that mobile phone. So what I did, I told my dad that, okay, you start giving me certain, he told me that I'll pay 50% and 50% is something that you have to earn yourself. So 50% was that whatever I got as my pocket money, I started saving. And then I gave it as an EMI to my dad that this is this month's EMI that I'm paying you for earning this mobile phone. And this made me feel that this is something that I have earned. So this makes you feel that this is my belonging, my responsibility. So it's like you have to be responsible from today onwards. हम आज से अगर responsible होंगे और ये चीज inculcate कर लेंगे अपने अंदर कि हमें ये चीज करनी चाहिए, and this will make your parents also proud of yourself कि हमारे बच्चे इसी age में finances को समझने लगे हैं. And जब आप 20-25 years की एज पे आओगे and at that point in time you'll start working and earning good amount, that point in time you'll realize that the habit of saving amount, the saving money and planning something for your future, that will really help you. So it's like I just want to share my experience with you with this. Over to you, Kaval. Thank you, everybody. थैंक यू सो मच स्वाति मैम. ये एक बहुत ही यू नो यूजुअल जो एक बात जो मैम ने बताई है, सेविंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. अगर हम सेव करेंगे तो डेफिनेटली हम फ्यूचर में उसको अपनी इमरजेंसी फंड की तरह यूज कर सकते हैं. एंड नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम पंकज सर ओवर द स्टेज टू शेयर हिज वर्ड्स ऑन दिस स्पेशल ओकेजन. वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ रहा नहीं आफ्टर ऑफ कोर्स लिसनिंग टू द जेम्स हियर. बट एक चीज़ जो मुझे लगता है आप सबको शायद जीवन में पता होनी चाहिए वो ये कि आपको पता है इस दुनिया में सबसे अच्छी सेविंग कौन कर सकता है या कौन करता रहा है, पता है? आपकी माता जी. पता है मम्मी से कभी भी पैसे मांग लोगे ना, कभी भी, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, दुख में, सुख में, वो कहीं ना कहीं से, चाहे वो चावलों के अंदर से निकाल के लाए, चाहे वो कपड़ों के नीचे से निकाल के लाए, चाहे वो भगवान जाने वो कहाँ कहाँ, चाहे वो प्याज के नीचे पड़े होंगे या यू नो व्हाटएवर, बट शी विल गेट यू समथिंग आउट. 110% she'll get something. लेकिन पापा मांगते हैं तो कभी नहीं मिलते. पापा मांगेंगे तो नहीं होगा. And I can tell you this goes in my life too, right? Let me tell you that.
whenever I'll, you know, she will keep asking for money, keep asking. And when I'll say, you know, मैंने दिया तो था, खर्च हो गया. और फिर जब बच्चे मांगेंगे ना, then she'll, you know, she'll go somewhere and she'll get that money out. जीवन में सबसे बड़ी सेवर आपकी माता जी हैं. एंड पता है वो क्यों सबसे अच्छी सेवर हैं? एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी. एंड आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स. वो पता है सबसे अच्छी सेवर माँ क्यों होती है? क्योंकि माँ को ना फ्यूचर की चिंता सबसे ज्यादा होती है. आपके, अपने नहीं, आपके. एक माँ इकलौता ऐसा प्राणी है, ऐसा नहीं है फादर इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट, बट फादर सोचता है ब्रॉडली कि मैं पैसे कमाने ने, मैं कार बनाना है, मैं गड्डी लेनी है. ठीक है, माँ सोचती है बिल्कुल माइक्रो लेवल पे कि मेरे बेटे को साइकिल लेनी होगी, मेरे बेटे को कोट लेना होगा, मेरे बेटे को शूज लेने होंगे, मेरे बच्चे को कहीं ट्रिप मारना होगा. वो माँ ना बिल्कुल माइक्रो लेवल पे चली जाती है कि, और अपने भी अपने बारे में सोचती है, मैंने गोल्ड की चेन लेनी है, मैंने ब्रेसलेट लेना है, अपने लेवल पे चली जाती है. तो वो बड़ी माइक्रो होती है. बट क्योंकि वो माइक्रो होती है ना और वो फ्यूचरिस्टिक होती है, तो वो उस पर काम करती है. जो फिनेंशियल प्लानिंग है ना, अगर आप इसका निष्कर्ष देखोगे जीवन में, तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं जब जीवन के बारे में फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से सोचता हूं कि मुझे जीवन में आगे किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं सोचने लग जाता हूं कि मुझे आज क्या करना चाहिए. तो आज भी स्वाति मेरे से अगर 5,000 रुपये लेगी, तो खर्चा वो 4,500 का करेगी और 500 रुपये कहीं संभाल लेगी. वो 500 समेटते एक गोल्ड चेन आ जाती है. बट दैट्स द फैक्ट ऑफ द लाइफ एंड दैट्स व्हाट द एंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट. हम आपको शायद यही ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जीवन में फ्यूचर को देखो और फ्यूचर की प्लानिंग आज से करो. फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी मर्जी हम ज्ञान दे लें, जितनी मर्जी हम बातें कर लें, निष्कर्ष तो जीवन का सिर्फ और सिर्फ यही है कि फ्यूचर की चिंता आज से शुरू करो और आज से उसकी प्लानिंग करके उसकी तरफ काम शुरू करो. दैट इज द ओनली थिंग दैट यू रियली नीड टू हैव इन योर ब्लड एंड योर माइंड एंड दैट इज द ओनली थिंग यू शुड कैरी आउट एज मच एज पॉसिबल. नॉट दैट देयर इज, अगेन मैं हाउ पे भी जा ही नहीं रहा कि सर मैं करूंगा कैसे, मैं तो इतने कम पैसे लेता हूँ, मेरे पास तो पैसे होते ही नहीं हैं, मेरे पास तो सिर्फ पॉकेट मनी आती है, उसमें सर मेरा अभी का खर्चा नहीं निकलता, मेरे को तो DTC का पास बनवाना पड़ जाता है. यू नो ऑल ऑफ दैट वी कैन फाइंड 100 एक्सक्यूजेस फॉर सेइंग दैट यू नो वी डू नॉट हैव इनफ फंड टू सेव. बट आई कैन टेल यू, इवन इफ यू विल सेव, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, इवन इफ यू आर सेविंग 1 रुपी ए डे, 1 रुपया एक दिन का तो सब संभाल सकते हैं, राइट? अगर आप 1 रुपया दिन का रोज सेव करोगे, रोज यानी कि 365 रुपये साल के, राइट? 10 साल अगर मैं कंपाउंडिंग नहीं कर रहा हूँ अभी, यू नो आई एम रियली नॉट डूइंग एनी कंपाउंडिंग, मैं कह रहा हूँ 365 मैं अगर 10 साल करता हूँ तो 3,650 रुपये हो जाते हैं. और अगर मैं इसको कहीं कहीं भी जो मैं सेव कर रहा हूँ ना उसको किसी भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने लग जाऊँगा, तो यू विल बी सरप्राइज कि 3,650 रुपये 3,00,000 रुपये हो जाएंगे अगर मैं इसको सिर्फ इन्वेस्ट करूँगा. अपने पास गुल्लक में नहीं रखूंगा या प्याजों के नीचे नहीं रखूंगा या चावल के डब्बे में नहीं डालूंगा. अगर मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा तो ये पैसा जरूर और जरूर और जरूर बढ़ेगा. दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू रियली यू नो एंड यू शुड सर्टेनली नो. बाय द वे डू यू गाइस नो दैट ये डेज सेलिब्रेट क्यों होते हैं? व्हाट इज वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे? ये कोई बात है? डॉक्टर्स डे, CA डे, इंजीनियर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये क्या है? ये क्या हो गया? हुआ था, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? एनी कशिश क्यों करते हैं बेटा सेलिब्रेट? ताकि उसकी इंपॉर्टेंस पता चले. परी क्यों करते हैं आपा? क्यों करते आपा? सो नहीं देना पुत्र मैं. दस तो सही क्यों कर दे आपा?
कर देते हैं ना, गुरुपुरब भी आ गया है, क्यों करते हैं आप सेलिब्रेट? कोई भी दिन सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? ताकि ना हम उसको भूले नहीं। ये जितनी भी लेगेसी हमारे परिवार से आ रही है ना, ये पीछे से आ रही है, सिर्फ इसीलिए आते हैं कि ना उस चीज को भूला ना जाए कि वो चीज इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स कहते हैं डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करो। लोगों को बताओ डॉक्टर्स का होना उनके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों पीछे रहा था? वो आगे आ गया, वो कह रहा मैं भी दिखाऊंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। सीए शुरू हुआ तो वो इंजीनियर भी आ गया इंजीनियर्स डे, मैं भी दिखाऊंगा मैं कितना इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हमने एक फाइनेंशियल प्लानिंग डे बनाया, विच इज वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे, दैट रियली टॉक्स अबाउट कि बाबा आप जानो इस चीज को कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपके जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये कोई साइंस नहीं है, या ये कोई मिथ नहीं है, या ये कोई सीक्रेट नहीं है जो हम सबको पता नहीं है। हम सब कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, आप सब करते हो। मुझे अगर एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर आपकी एज में था और मुझे पता है कि मुझे मेरे फ्रेंड के साथ एक पिक्चर देखने जाना है और मैं ऐसे बोलूँगा तो मुझे जाने नहीं देंगे, तो मैं चार जगह से पैसे जैसे जैसे मुझे मिलते थे, चाहे मुझे रखड़ी पे मिले, राखी पे मिले, या मुझे दिवाली पे मिले, मैं धीरे 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 कुछ पैसा जोड़ता रहता था और मैं फिर उस खर्चे के लिए तैयार होता था। ये भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग है ना। कुछ भी अगर आप प्लान करते हो जीवन में तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा और हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ चावलों के अंदर नहीं रखेंगे, तो प्रॉब्ली विल बी बेटर ऑफ फ्रॉम द फ्यूचरिस्टिक स्टैंडपॉइंट। आज का दिन उसी उपलक्ष्य में है। हम भावभीनी श्रद्धांजलि टाटा जी को सुबह दे चुके हैं, तो मैं ना अंत उनके कोट से ही करूंगा। मेरे पास मोबाइल नहीं था, बट एक कोट ना मेरे दिमाग में हमेशा से टक्कर खाता है। जब मैंने बिजनेस अपना शुरू किया ना, तब भी ये कोट मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है। टाटा जी ने एक चीज कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम पे पत्थर मारे ना दीपाली पुत्र, तो उस पत्थर को ना अपने पास रख लेना। जितने पत्थर मारता जाए कोई, उन्हें पत्थर को अपने पास रख लेना, तुम्हारी बिल्डिंग बनाने में ना यही पत्थर काम आएंगे। यही चीज जीवन में हमें सीखनी है कि मुश्किलें तो बहुत सारी आएंगी, बट हर मुश्किल ना हमें हमारी बिल्डिंग बनाने में सहायता करती है। जैसे आप लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, ACCA का एग्जाम आ रहा है, FA खत्म हो गया है, BTEC बिल्कुल समाप्ति पे है, पेपर के लिए पुश करा जा रहा है, 15, 16, 17 को पेपर है, कैसे तैयारी करें? क्यों कशिश पुत्र? बट बच्चे ये सारी मुश्किलें ही ना हमें एक अच्छा इंसान बना देती हैं और हमें एक पर्सनैलिटी दे देती हैं, एक ग्रोथ दे देती हैं, एक स्टेचर दे देती हैं जीवन में। हम इसी चीज के बारे में सोचते हुए We wanted to bring this to light कि बॉस जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी पहुंचो, अपने साथ दो चीज़ों को कभी मत भूलो। एक ऑफ कोर्स अपनी फैमिली, अपने रिलेशंस, दूसरा अपनी सोच फॉर द फ्यूचर जिसकी आपको प्लानिंग आज से करनी। बात समझ में आती है? अरे नहीं आंदी, नहीं आंदी ना, चल फिर हूँ आंदी ना, तो क्विज तेरे हस्ती है आज। अज ना क्वेश्चन बनाए ने अपना 15, तो क्वेश्चन पूछने जो जवाब नहीं देता ना जिन्हें, फिर देख लेना तुम बुलाए सस्ते से फसाता हूं तेन बुला के फसाता। जो बंदा आंसर नहीं करेगा ना ठीक, उन्होंने घर नहीं जान देना, माँ प्यो बुला के गल करनी फिर उन्होंने नाल। इस वास्ते से बुलाए सी और की ऐ गल सी ना। So we'll start off with a cool quiz. I'll say it to be a cool quiz. We really want, and it is a very generic one. And we're not gonna be, you know, asking you something which is out of the sky. We just want to be as realistic as possible, and we really want you guys to, you know, participate in it as much as possible. And this is open for any FinTrammer also. So you know, you guys. Even the FinTram staff, you're very well open to raise your hand and you know, answer it. So we'll probably start off with Anurag. Probably you have to start this up, right? Arvind, take the mic. Any prizes for the winner? Yes, yes. There is certainly a prize for all the right answers. We're waiting for the prize to come out here.
and then probably we'll jump it out. So raise your hand. Do not speak in between. Dare you speak, guys. Yeah. Dare you speak. The correct answer gives you 10 points. The wrong answer gives you minus 5. And every answer has a price. So don't think that, you know, that one answer will not have a price. Polite, just raise your hand in case you know the answer. Shall I start? Yes, yes, go ahead. Okay. Pehla sawal paaji se. Paaji, kone aale? Pehla sawal shuru hota hai 10 rupaye ke liye. Okay, legendary Sri Ratan Tata ji, year of birth. Paaji Tata ji kad janme si? Ona da year of birth si de. Haji? 19, that's the right answer. 19? 37. Oh my God, Kashish. I'm very impressed. Bhai, on your pant? Budget kis kis ne dekha is bar? Kahan kahan pe tax laga? Budget ko follow nahi karte aap log? Papa ki jeb se lagega, hamari jeb se thoda lagega. Okay, in case you haven't seen the budget, then it's gonna be difficult. Okay, so what is the new proposed LTCG on investment? Have we heard about this term called LTCG? Long-term capital gains? 12.5%. अरे हाथ raise करना है। हाँ देखो। आपका 20% लगेगा। Well, that's the right answer. 12.5%. It used to be 10% before. Okay, that's the easy one. Which of the following is considered a liquid asset? I will give you four options. हाथ खड़ा करना है. Liquid asset. Okay. Option A, real estate. Option B, stocks. Option C, cash. Option D, bonds. You choose, sir. Shimon ne kya hath khada? Cash. That's the right answer. Dena hai cash, huh? Isse ek karti hai na. Wo jo 5-7% tha na. Emergency aa gayi hai. All right. बैंक जाते हैं हम लोग सभी खाता खुला हुआ है सभी का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीएफसी खाली जाना ही तो होता है फुल फॉर्म थोड़ा याद रखना होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीएफसी एचडीएफसी हिंट दो कुछ आपको आधी चॉकलेट मिलेगी लेकिन फिर ओके ऑप्शन ए हिंदुस्तान डेवलप्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑप्शन बी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस करेंसी ऑप्शन सी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑप्शन डी हाई डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन What is the full form? Housing Development Finance Corporation. कितने कह रहे हैं ये वाला सही आंसर? Okay, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है. कली बजाएं. Okay, how many stock exchanges we have in India? Stock exchanges in India. अच्छा ये quiz नहीं है. इस quiz का question आगे आएगा. स्टॉक एक्सचेंजेस पता है आपको कौन कौन से हैं मेजर टू वी हैव टू एनएससी एंड बीएससी सो विच द क्वेश्चन इज विच स्टॉक एक्सचेंज हैज लिस्टेड मोर कंपनी किस स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा कंपनी लिस्ट हुई है इट्स इज इट एनएससी और इज इट बीएससी अरे यार रेज योर हैंड किस किस ने जवाब दे दिया चल 500 निकाल ओके एनएससी कौन कौन है एनएससी All right. Anyone for BSC? No? सबका गलत आंसर है वाली BSC है. B
BSE is the NSE is the largest stock exchange of India, but in terms of the company, BSE has more than 5,000 companies. NSE has 2,000 plus companies. इसकी चॉकलेट मेरे को मिलेगी. Okay, next is which was the first Indian company to be listed on NASDAQ? अच्छा NASDAQ क्या है? जैसे हमारे यहाँ का NSE BSE है, ऐसे US का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो NASDAQ है. सो इंडिया की पहली कंपनी कौन सी थी जो इंटरनेशनल में लिस्ट हुई थी? Raise your hand, I'll give you some options. One, first is Reliance Industries. Second is Infosys. Third is Satyam. Fourth is Tisco. Yeah. Tisco. Anyone else? Infosys. Anyone else? Tisco. Tisco mein disco karenge. The right answer is Infosys. इन सब की चॉकलेट आपको. एक के बाद चॉकलेट काउंट नहीं हो रही है. दिए जा आंसर. ओके, इंडियन करेंसीज देखी है हम सबने, नए नए गुलाबी पीले हरे नोट. सो ये किस मटेरियल की बनी होती है? आई गिव यू सम ऑप्शंस. वन इज आयरन, कॉपर, सिल्वर और कॉटन. दीपाली कुछ कर पुत्र. सारी चॉकलेट चली जानी है. आयरन, कॉपर, सिल्वर, कॉटन, इसमें से एक ऑप्शन सही है. पैसे से खेलना अच्छा लगता है, बट किस चीज का मटेरियल है? कॉटन. ओके, वन ऑप्शन कॉटन. एनीवन एल्स? चारों ऑप्शन ले तो एक एक करके कोई तो ठीक होगा. कॉपर किसने बोला? इसने. आपका जवाब बिल्कुल गलत है. कॉटन इज द राइट आंसर. एज पर आरबीआई, 100% कॉटन टू मेक देम ड्यूरेबल एंड लेस प्रोन टू डैमेज. सो 100% कॉटन ताकि वो ड्यूरेबिलिटी बनी रहे करेंसी में और डैमेज ना हो. जब भी आप कभी गलती से अगर धो देते हैं अपने कपड़े को तो फिर भी वो सुखा पाते हो आप उसको. कितने धुल गए. और कितने वो पेट्रोल मेरे पास नोट नहीं होंगे बट फेडेड होंगे क्योंकि धुल चुके होते हैं सारे. ओके, स्टॉक मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट करता है? स्टॉक मार्केट में कोई भी नहीं करता है. एक है सटोरी मारा. ठीक है. सो विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक वी हैव इन इंडिया? जो सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है कौन सी कंपनी है? MRF. एनी अदर गैस? ऑप्शन से इसमें MRF का प्राइस क्या होगा स्टॉक मार्केट में? 1.5 लाख. ओके, करंट प्राइस इज 130,000 रुपीज. वो 1.5 लाख उसका हाईएस्ट था जो गया था रिसेंट में, बट दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक व्हिच वी हैव. यार अपन तनु ऐ समझ रहे थे तू सटोरी निकला पूरे. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? ओके, एलोन मस्क. ट्विटर ही देखते हैं क्या सब कुछ? एलोन मस्क. और कोई? बर्नार्ड एलोन. आप और कोई? तीन नाम आए हैं अभी मेरे पास, एलोन मस्क, अर्नोल्ड एंड जेफ. जुकेबर्ग वगैरह नहीं लगता किसी को? अदानी अंबानी नहीं. ओके, एलोन मस्क इज द राइट आंसर. ही हैज $260 billion. Richest man in the planet, $260 billion. अगर हम इंडिया की बात करें तो अंबानी जी है जिनके पास $115 billion है. तो एक तरीके से वो आधे गरीब है इनके. किसने बोला? एलन मस्क.
हाँ इन तीनों ने बोला जो हार्दिक ने बताया था। अच्छा अभी आज की न्यूज है मार्क जुकरबर्ग ने पीछे कर दिया जेफ बेजोस। अच्छा हाँ सारे तेज हो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए जरूर दैट इज द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ कीपिंग योरसेल्फ अपडेटेड उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है अपना तुम जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो अपडेट अपने आप को रखना है तो न्यूज़पेपर 10 मिनट लगाओ चाहे रोज बट पढ़ो कि क्या हो रहा है ग्रह शोभा नहीं न्यूज़पेपर रोज वी शुड स्टार्ट समथिंग इन आवर ऑफिस दैट एवरी डे somebody has to say the headline for the day. Five headlines of the day, ये लोग ऑफिस में लिखेंगे आके. Every day somebody should have that duty. Yes. Let's start. Homework मिल गया आज. कल बारी है खुशबू की. खुशबू तो. Okay. ये मेरा question नहीं है quiz का, लेकिन जो हमारे note पे signature होते हैं वो किसके होते हैं? कौन सा गवर्नर आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है दैट्स द क्वेश्चन नोट निकालो अभी 50 का अगर होना भी चाहिए मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ आपकी ए मैडम निर्मला सीतारमन हाँ ये पुराना नोट ले रहा हूँ बेटा ये बहुत पहले का नोट है आपका पाजी के पास है कुछ कौन सा है क्या है उसने गवर्नर ना ही नहीं है उसने नया नोट साइन है क्या सिर्फ साइन होगा ना नया ना नहीं आएगा अच्छा ना नहीं है जमक राधे आचार्य निर्मला सीतारमन रघुराम राजन अनुराग ठाकुर शक्तिकांत दास अनुराग ठाकुर नहीं लगते आपको और रघुराम राजन वो भी तो थे अभी तक तो थे शक्तिकांत दास हाँ हाँ शक्तिकांत दास इज द राइट आंसर जो करंट गवर्नर है इससे पहले आपके रघुराम राजन जी होते ओके देखो जो जो आंसर नहीं दे पाया उसकी वजह में जितने नोट हैं वो यहाँ रख दे विच ऑफ दीज इज नॉट ए टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम आपकी इनकम पे एक जो मैडम सीतारमन है वो नजर रखती है कि इस पॉकेट में से कितना निकालना है तो लेकिन कुछ आपके चीजें हैं जहां पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है उन प्रोडक्ट्स पे सो फॉर एग्जांपल नहीं अभी नहीं बताता हूँ सो इनमें से कौन सा है जिसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा राइट सो वन इज एचआरए सेकेंड इज पेंशन थर्ड इज LTA सुना है आपने लीव ट्रेवल अलाउंस यस जब आप कंपनी में कॉर्पोरेट में काम करेंगे आपको एक LTA का कंपोनेंट मिलेगा उस पर टैक्स एग्जेम्प्शन आपको मिलती है एंड द फोर्थ इज एग्रीकल्चर इनकम सो इनमें से किस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स रिबेट बेसिकली नहीं मिलेगा इज इट HRA इज इट LTA टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना इनमें केवल टैक्स नहीं देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा टैक्स देना पड़ेगा रिपेट नहीं टैक्स देना पड़ेगा तो फिर तीन पे देना पड़ेगा उल्टा तीन टैक्स नहीं देना पड़ेगा टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम नॉट ए टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम नॉट ए टैक्स एचआरए एक यही तो था जिससे हम थोड़ी तनख्वाह बचा ले रहे थे उस पे भी आप टैक्स लगवा दो HRA पे नहीं देना पड़ता पेंशन पे आपको देना पड़ता है सो HRA इज एग्जेम्प्टेड LTA इज एग्जेम्प्टेड एंड एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड
और एचआरए जिस दिन चला जाएगा हम लोग मर जाएंगे भाई, ऐसा मत करो। ओके, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, मिस्टर राहुल 55 इयर्स ओल्ड इज प्लानिंग फॉर हिज रिटायरमेंट एंड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन ए मिक्स ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ओके, 55 साल के हैं हमारे राहुल भाई साहब, रिटायरमेंट के आसपास है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड्स में मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ। गिवन दैट ही हैज 5-6 ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट, 5-6 साल का उनके पास टाइम है, विच एसेट एलोकेशन विल बी मोर अप्रोप्रिएट। राइट, लगा तो वो कहीं भी सकते हैं बट आइडियली उनको क्या करना चाहिए, समझ के आप क्वेश्चन को। 55 साल के राहुल जी है हमारे जो अभी रिटायरमेंट के पास में है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ पैसे को स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में, वो थोड़ा सा देख रहे हैं। सो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, अगर आप एक्सपर्ट हो उनके, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, तो आप इन चार ऑप्शन में से क्या सजेस्ट करोगे उनको। ऑप्शन ए इज कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी इज एग्रेसिव पोर्टफोलियो। कंजर्वेटिव मतलब इन फिक्स रहेगा कुछ रिटर्न, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएगी। एग्रेसिव इज कि बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लोगे और बहुत ज्यादा गिरा भी दोगे। सी इज इक्वल मिक्स ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, कि कुछ पैसा इधर, आधा पैसा इधर, आधा पैसा इधर। एंड डी इज इन्वेस्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, रिटायरमेंट लो मजे क्या। 55 साल है, कल हो ना हो 55 इयर्स, तो लेट यू एंजॉय द मनी। So which option would you suggest, recommend to him? आपको कवर मैम, आपको कुछ एंड कर रही है कि रिटायरमेंट आपके पास में आ रही है। मेरे हिसाब से इट्स प्रोबब्ली लाइक मिक्स, इट शुड बी मिक्स, कंजर्वेटिव या एग्रेसिव। नहीं, जो थर्ड ये कह रहे हैं कि 50-50%, मतलब कि इट शुड बी अ मिक्स ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड। ओके, कंजर्वेटिव, 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 एग्रेसिव नहीं चाहिए किसी को, बहुत ज्यादा पैसा बन जाए, अब 5 साल बचे उसके बाद कमा नहीं पाएगा। करेक्ट आंसर इज कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, बिकॉज यू कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ दैट मनी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपके पास होराइजन बड़ा होता तब आप एग्रेसिव में चले जाते, या और कम रहता होराइजन तो आप मिक्स में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप एफडी टाइप कुछ देखेंगे जहाँ पे आपके पास 5 साल का एरिया है, जहाँ पे मुझे पूरा पैसा पूरा मिले। ओके, इफ दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बहुत सारे पूछ लूंगा वैसे, बट अभी के लिए लास्ट करते हैं। इफ गिवन ए चॉइस बिटवीन रिसीविंग 1 crore टुडे, आप सबको 1 crore रुपए आज मिले, या फिर मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ कि जिंदगी भर जब तक तुम हो हर साल 5 lakh रुपए दूंगा, सो विच ऑप्शन वुड यू सेलेक्ट। हाउ मेनी इयर्स फॉर 5 lakh? किसी को करोड़ नहीं चाहिए आज? नहीं सर, इनके फाइनेंसिस ठीक कराओ आप, 1 crore इज द राइट ऑप्शन। आप ये देखो 5 lakh रुपए हर साल, कितने साल बाद जाके आपको वो करोड़ रुपए मिलेंगे, जस्ट डू द कैलकुलेशन। 20 साल, और 20 साल में, हाँ 20 साल में आपको 1 crore मिला है, और आज से 20 साल बाद आप ये सोचो 5 lakh की वैल्यू क्या होगी, राइट? जो, और फिर आज जो 1 crore रुपए को अगर आप सिर्फ बैंक में भी रखते हो, सिर्फ बैंक में रखते हो, तो 5% का भी इंटरेस्ट लूं मैं, तो 5 lakh रुपए तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट से ले लूंगा, और करोड़ रुपए अलग से है मेरे पास, तो 5 lakh तो मैं जिंदगी भर वैसे भी कमा लूंगा। सबको अब सीएसपी करना चाहिए, सबको सीएसपी करना चाहिए, राइट? दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव। गुड, आई थिंक थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग अस पेशेंटली। आई थिंक वन टेक अवे दैट ऑल ऑफ अस हैव इज, जो मुझे लगता है सबके पास होना चाहिए आज, कि हमें फ्यूचर के बारे में आज से सोचना अनिवार्य है। That is the only thing that we want to reinforce, and that is what the World Financial Planning Day is all about, in terms of thinking about your own self, thinking about your own future, and planning that right away. I'll hand over to Kaval to really conclude, and I have the gifts of all the chocolates being available out here. You can distribute that to everyone, irrespective of everyone.
Thank you so much, everyone, for coming and having having you all guys here today. It's a pleasure.